अहमद का पहला लीगल बॉल, कैच कैच भाई साहब, क्या स्टोरेज मिल हो गई यहाँ पे, गेम का रुक ही बदल दिया अहमद ने भाई यार, पर रुक भाई को आउट कर दिया और कैच पकड़ा, कोई सूर्य कुमार यादव वाला कैच पकड़ा है ये, इस जगह पे कैच पकड़ा यार लिटरली। अहमद का मोबाइल ले लिया यार, लेट्स गो इफाम आया 21 रन लास्ट ओवर और पहली बॉल पे छक्का है इफाम को, लास्ट ओवर 21 रन बाकी रह गए और लास्ट पहली ही बॉल पे छक्का खा लिया है इफाम ने। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत होंगे भाई, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो भाई। जैसा कि आपने देखा सेमीफाइनल में हारून द वन एंड ओनली लोन वॉरियर की तरह भाई खेला वो, और वो मैच जीत के भाई फाइनल के लिए क्वालिफाई हो गए थे। तो भाई दूसरी वही टीम है जिसको हमने सेमीफाइनल दूसरे मैच में हराया था, उसी टीम का फाइनल पड़ा, टॉस हो गया, टॉस जीत गए और टॉस जीत के दोबारा बैटिंग का फैसला किया। इस बार भी पूरा अपना एम है कि 100 से 100 क्रॉस करें, 100 क्रॉस करें ताकि इजीली डिफेंड करने में आसानी हो, क्योंकि थोड़ी डिम लाइट भी हो जाएगी, हो रही है। तो इसी तरह वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, तो अभी दिखाते हैं आपको अपनी बैटिंग। फाइनल का स्टार्ट हमारा सेम ओपनर ही ले रहा है अहमद और हारून, पहली बॉल और अहमद के सर पे लगा है बॉल, सर पे लगा है बॉल तो एक ही रन मिलेगा, स्ट्राइक चेंज हो गई है। फाइनल के अंदर भी हम लोगों ने सेम डुओ चूज करा है जो हमारे सारे मैचेस का डुओ था, और पहली बॉल हारून यार बेहतरीन शॉट यार, क्या शॉट मारा, पहली बॉल पे छक्का, लास्ट एक चार, दो बॉलों पे 7 रन, तीसरा बॉल हारून फेस करेगा दोबारा, और पक्का बॉल कराया था और बिल्कुल यॉर्कर लेंथ पे बॉल करा है, बहुत बिल्कुल भी रूम नहीं दिया है बैट्समैन को हल्का सा भी बैट उठाने का। अवर का चौथा बॉल और कप्तान थोड़ा सा मिस जज कर गए और एक ही रन मिला है, कप्तान ने जज भी कर ली थी मगर बिल्कुल बॉटम लग के चला गया और एक ही रन मिल गया। हारून दोबारा आ गया, लास्ट बॉल शायद यार, अरे गुड फील्ड यार, बड़ा फील्ड यार, दो रन आ गए। फर्स्ट ओवर का आगाज बहुत अच्छा ही दिया कोहली ने, 11 रन दिया अभी तक 5 बॉल पर, और प्यारा शॉट यार, स्कोर इक्वल कर दिया और लास्ट बॉल पे छक्का मार के हारून ने फर्स्ट मैच का वो फाइनल का पहला ओवर अच्छे रन पे बुक करा है। सेकंड ओवर करवाने शयान आया और अहमद फेस करेगा, अहमद ने अभी तक एक छक्का भी मारा है, अपना एंड इनफैक्ट खोला भी नहीं अभी तक, और पहला बॉल फुल टॉस मिल गया था अहमद को, इस बॉल पे स्ट्राइक जा सकती थी बट स्ट्राइक चेंज हुई है और एक ही रन मिला है। दूसरा बॉल ओवर का, लेट्स गो हारून, अरे सीधे बल्ले से शॉट लेने की कोशिश करी मगर साइड से बॉल लगकर एक रन पर आ गया। ओवर का तीसरा बॉल, 2 रन दिया अभी तक शयान ने, शॉट अहमद, अहमद का छक्का है बहुत आला, लाइटों पे लगी डायरेक्ट सीधी बॉल जाकर यार, अहमद सेमीफाइनल से स्ट्रगल कर रहा था बट अब पहला छक्का लगा दिया आज के दिन का, कम ऑन अहमद शाबाश। ओवर का चौथा बॉल, लेट्स गो शॉट, और 4 हो गया, इजी चार मिल गया, 2 लगातार बाउंड्री आ गई है, कॉन्फिडेंस मिला है अहमद को थोड़ा, अभी भी 2 बोले बाकी रह गए हैं, कम ऑन कप्तान, और वाइड बॉल आ गई ऑफ साइड से, वाइड बॉल स्टिल 2 बोले बाकी रह गई हैं, वाइड के बाद देखते हैं कमबैक आएगा नहीं आएगा। फुल टॉस, सामने का बॉल था, कप्तान लेग में घूमना चाहते थे मगर वो सामने ही बॉल गया बिल्कुल। कल के दिन में अहमद का बल्ला बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था बट आज के दिन में सिर्फ एक ही छक्का मारा है सेमीफाइनल और फाइनल के अंदर अभी तक, वो भी पूरी इनिंग पड़ी है। कम ऑन अहमद शॉट, गुड शॉट यार, सिर्फ और सिर्फ एंगल बनाया और रूम बना के बहुत अच्छा शॉट मारा है मोनी साहब अपना दूसरा ओवर करवाने के लिए, और पहला बॉल शॉर्ट पिच बॉल और वाइड बॉल, ओवर का पहला लीगल बॉल मोनी का, और शॉट कप्तान, 6 रन जस्ट बाउंड्री पे बॉल लगा और 6 रन आ गया, कम ऑन अहमद कम ऑन, ओवर का दूसरा बॉल 7 रन आ गया, शॉट यार बहुत तगड़ा शॉट, बहुत प्यारा शॉट, अहमद जहाँ अंडर प्रेशर लग रहा था वहाँ अहमद ने 2 बाउंड्री लगाकर अपना प्रेशर रिलीज कर दिया, बेहतरीन शॉट यार। ओवर का तीसरा बॉल, 13 रन आ गए 2 बॉलों पे, अच्छा बॉल था, बहुत प्यारा बॉल था, बिल्कुल लेंथ पे बॉल करा और यॉर्कर लेंथ पे बॉल करा और बिल्कुल भी मौका नहीं दिया अहमद को। हारून आ गया स्ट्राइक पर, स्ट्राइक चेंज हो गई थी, लेट्स गो, और ये अच्छा स्लोर वन यार, स्लोर वन पकड़ ही नहीं पाया हारून, ओहो
गुड बॉल यार मोनिस, अपनी दो बोले करवा के अच्छी कमबैक कर गया दो छक्के खाने के बाद। अरे ग्राउंड शॉट ही गया दोबारा, एक छक्का लगाना पड़ेगा लास्ट बॉल पर। अमोन हारून मारेगा, एक छक्का मार देगा इंशाल्लाह। बिल्कुल नहीं, पक्की पक्की बॉले कर रहा है, बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहा। लगे स्टार्टिंग में दो पे दो छक्के खाए मगर उसको कवर कर लिया यार, ब्रिलियंट ओवर, ब्रिलियंट। लास्ट दो ओवर बाकी रह गए और भाई तीन ओवर के अंदर काफी लो टारगेट है एज कम्पेयर टू अदर मैचेस, क्योंकि हमने तकरीबन अपने सारे मैचेस के अंदर 100 प्लस स्कोर रखा टारगेट, बट इस मैच के अंदर 53 रन हुए सिर्फ तीन ओवर के अंदर। अगर तो ये दो ओवर के अंदर 40 बना देते हैं तो हमारा 100 क्रॉस हो जाएगा टारगेट। अच्छा शॉट मगर अगेन वही ग्राउंड शॉट और स्ट्राइक चेंज होगी सिर्फ। पक्की पक्की बॉलें कर रहे हैं, यॉर्कर लेंथ से हट ही नहीं रहे बिल्कुल भी और पक्की बॉलें मार रहे हैं। इस बार मैचेस के अंदर बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे हमारे बैट्समैन को खेलने का। शॉट अहमद, कैच की बॉल और इजी कैच यार, अहमद आउट हो गया और पहली विकेट गिर गई है हम लोगों की फोर्थ ओवर के अंदर। अलीशान आया फेस करने के लिए, लास्ट चार बोले बाकी रह गई हैं इस ओवर की और पीछे से बोल्ड हो गया अलीशान यार, बैक टू बैक विकेट भाई। पूरे टूर्नामेंट हमारे बॉयज सारे अच्छा परफॉर्म करके गए मगर फाइनल के अंदर ब्लंडर भाई, ब्लंडर ही ब्लंडर। बहुत प्यारी बॉल करी है और बैक टू बैक दो विकेट चले गई है यार, कम ऑन। मुस्तफ़ा आ गया, हैट्रिक बॉल फेस करेगा और दो बॉलों पे दो विकेट्स तो जा चुकी हैं, देखते हैं हैट्रिक होगा नहीं होगा। और अच्छा शॉट, इस बार अच्छी फील्ड भी कर ली भाई और एक ही रन देगा। बॉलर काफ़ी अच्छा ओवर करवा के जा रहा है और मैच, इनफैक्ट मैच ओवर करवा के जा रहा है। देखो फिर अच्छा बॉल यार, यॉर्कर का लेंथ से आगे नहीं आ रहे यार, क्या बॉलिंग कर रहे हैं लिटरली, बहुत अच्छी बॉल कर रहे हैं। ओवर का लास्ट बॉल रह गया और इस ओवर के अंदर एक बाउंड्री भी नहीं आई है। लेट्स गो हारून, और वाइट बॉल आ गया, लेट्स गो हारून, कम ऑन मार सकता था यार। अरे ये आउटसाइड और कैच ड्रॉप कर दिया भाई हारून का, कैच ड्रॉप कर दिया और चार रन हो गया है नाजिम, चार रन मिल गए। फिफ्थ ओवर करवाने फर्रुख भाई हैं, उसको फेस करेगा पहला बॉल और पहला बॉल, बहुत प्यारा शॉट, पहला छक्का मुस्तफा का फाइनल के अंदर, बहुत प्यारा शॉट यार। पहला छक्का तो काफी तगड़ा मारा मुस्तफा, दूसरा बॉल ओवर का और स्लोर वन पे डॉट कर गया, स्लोर वन पे ट्रैप में फंस गया मुस्तफा। पहला छक्का खाया तेज बॉल पे मगर दूसरी बॉल में ट्रैप में फंस गया मुस्तफा और डॉट बॉल हो गई। लेट्स गो मुस्तफा, ओवर का तीसरा बॉल, शॉट यार बहुत अच्छा शॉट मुस्तफा, दो छक्के, जहाँ टीम को जरूरत थी वहाँ मुस्तफा ने आके छक्के लगा रहा है यार, गुड बॉल, वो गुड शॉट मुस्तफा। कभी कभार ना एक्साइटमेंट की वजह से ना जमान मिसल जाती है, कभी कुछ भी निकल जाता है, इस वजह से एडिट में थोड़ा संभालना पड़ता है, जिसमें एडिट हो जाता है तो वो ठीक है, जो अब बीच में जो निकल जाती है ना वो बहुत मसला होता है। अच्छा बॉल कराए, अब हारून को स्ट्राइक दे दिए, चेंज कर दिए स्ट्राइक, दो छक्के मार के हारून आ गया स्ट्राइक पर, लास्ट दो बोले हारून फेस करेगा। हारून को टारगेट रखना कम से कम दो छक्कों का, तो दो छक्के लगेंगे तो हम लोग मैच में वापस आ जाएंगे, क्योंकि 62 रन होते हैं। और टॉप एज यार, शॉट तो प्रॉपर मारा था मगर वो टॉप एज की नजर हो गया और इजी कैच यार, हारून की विकेट चले गई है नाजरीन हजरात। लास्ट बॉल इफाम फेस करेगा, लेट्स गो इफाम, हारून से लग रहे जितने लगे उसने मारे, तो पूरे टूर्नामेंट में इनफैक्ट छक्के मारे मगर इस मैच के अंदर इतनी स्ट्राइक नहीं मिली है हारून को। और ये वाइड बॉल हो गया, ओवर का लास्ट बॉल है, कम ऑन इफाम, एक छक्का लगा, शॉट इफाम, बड़ा शॉट यार, बड़ा फिनिश, जहां में एक अच्छे ओवर की ज़रूरत थी ना, वो सेकंड लास्ट ओवर हो सकता था मगर उसने काफ़ी अच्छी बॉलिंग करी यार, अब वो तकरीबन दो विकेट लेके गया और लास्ट विकेट भी हारून की विकेट भी ले ही गया था मगर वो जो कैच छूटा है ना, कैच छूटने पे जो चार हुआ लास्ट बॉल में वो थोड़ा सा खराब हो गया, वरना वो लड़का मैच ओवर करवा के गया यार, लिटरली मैच ओवर करा के गया। और लास्ट बॉल पे हमें एक छक्के की ज़रूरत थी जो इफाम ने आके मार दिया, हारून अगर होता तो वो अपने एंड से दोनों छक्के मार सकता था मगर उसकी तबीयत भी ख़राब है, तो उससे इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बंदे की तबीयत भी ख़राब होती है तो ना वो थोड़ा 19-20 हो जाता है, मगर 80 रन का टारगेट बहुत लो स्कोर टारगेट है, तो सबसे बड़ी बात इस छोटे ग्राउंड के अंदर सबसे लो टारगेट है ये 80 रन का,
अब देखते हैं हमारे बॉयज कैसे डिफेंड करेंगे। अब हमारे देखो हर दफा बैठा नहीं चले वो भी नहीं चलेंगे, ठीक है ना। हमारे अगर दो विकेट आउट होती अगर उनके आउट हो गए कैच पकड़ लिया हमने मैच में अंदर हो जाएंगे हम लोग, ठीक है ना। हमारे बॉलर अच्छे तगड़ी करने आलम गलोच नहीं करनी है कुछ भी हो जाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم نصرنا الله وفتح القريب نصرنا الله هارون آية فرسٹ اوور کرانے 83 رن کے ڈیفینڈ کے اندر پہلا بال ہارون کا اور پکا بال تھا اور بلاک بال میں بال اور ایک ہی رن ملے گا ایک ہی رن سے آغاز ہوا اسٹرائک چینج ہو گئی ہے فرخ بھائی کے پاس آ گئی اسٹرائک اور کا دوسرا بال لیٹس گو ہارون آؤٹ سائڈ ہے جو بچت ہو گئی میری بالکل تھوڑا سا رہ گیا ورنہ سیدھی جا کے لگتی بال ہارون تیسرا بال کرائے گا اپنا دو رن دیا ابھی تک صرف اچھا بال مگر شاٹ اس سے اچھا تھا اور چھ رن پہ جائے گا تیسری بال پہ چھکا لگ گیا ہے ہارون کو ہارون نے پٹک کے بال مارا تھا لین چینج کرنے کی کوشش کری تھی مگر حمزہ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے پک کرا ہے تین بالیں آٹھ رن ہو گئے ہارون کے اوپر ذمہ داری آ گئی ہے اس کو کم بیک کرنے کی کیونکہ ہارون ہے ایسا بولر ہے ہمارا جو میچ بچا بھی سکتا ہے شاٹ یار کیچ اور کیچ ڈراپ یار او یار دو رن ایزیلی بھاگ گئے کیچ کے اوپر بہت اچھی ٹرائی لی تھی علی نے مگر وہ بہت امپاسبل کیچ بن گیا ایک وقت ایسا آیا کہ بہت امپاسبل کیچ بن گیا وہ ڈائیو مارتا تھا تو کچھ چانس بن سکتے تھے مگر بال بہت زیادہ ڈاؤن ہو گیا تھا بال ابھی بھی دو بولیں باقی رہ گئی ہیں دس رن آ گئے اسکور کم ہے تو بولنگ بہت آن پوائنٹ کرنی پڑے گی ہم لوگوں کو اور اچھا شاٹ کیچ کی کال مگر نہیں عتیب کی تھوڑی سی مس جج کی وجہ سے چار ہو گیا لاسٹ بال باقی رہ گئی ہے ہارون کی ہم نے سارے میچ اپنی بیٹنگ سے جیتے ہیں مگر یہ میچ ایک واحد ایسا میچ آیا ہے جو ہمیں اپنی بالنگ سے جیتنا پڑے گا اور لیٹس سی ہماری بالنگ کس کیپیبل ہے اب اس میچ میں اندازہ ہو جائے گا اور اچھا بال بہت اچھا بال اور ایک ہی رن ملے گا ہارون کا اوور اینڈ ہو گیا اور 15 رن میں بھی شاید آئے اس اوور کے اندر سیکنڈ اوور کروانے آیا ہے احمد ملک اور یہاں پر مغرب کا ٹائم بھی ہونے والا ہے اور چارجنگ بھی بس اینڈ پہ چل رہی ہے 10% چارجنگ رہ گئی ہے لیٹس سی احمد ملک کیسا بال کرے گا اور پیارا بال تھا مگر لیگ سٹمپ سے ہوتا ہوا گزرا نہیں وائڈ نہیں تھی بال ہے شاباش لیٹس گو ملک پہلا بال کافی اچھا کرا ہے ملک اور ہارون کا اوور کافی ہمارے میجر اوور ہونے والے ہیں اور اچھا بال اس بار کیچ کی کال مگر بہت ہی آگے کھڑا ہوا تھا یار جو بھی لیگ کی سائڈ پہ کھڑا بہت آگے کھڑا ہوا تھا یار پیچھے باؤنڈری لائن چپک کے ہوتا تو کیچ ہو سکتا تھا اچھل کر یار تیسرا بال ہے اوور کا لیٹس گو احمد ملک گڈ بال بابا سنگل سنگل رن سنگل تین بولیں ہو چکی ہیں لیٹس گو احمد ملک چوتھا بال کرائیں گے اور پکا بال تھا مگر اس بار لیگ سٹمپ سے گزر گئی اور وائڈ بال آ گئی لیگ سٹمپ سے چوتھا بال اوور کا آٹھ رن آ گئے ہیں ابھی تک صرف اچھا بال مگر شاٹ تو اس سے زیادہ اچھا تھا اور چھ رن آ گیا یار فرخ بھائی از آن فائر بھائی فرخ بھائی نے اچھا شاٹ مارا کور کی بال دی اور کور کی بال پہ بہت اچھا شاٹ مارا دو بولے ابھی بھی اسٹل باقی رہ گئی ہیں احمد ملک نے 14 رن دے دیے ہیں لیٹس گو احمد اچھا بال مگر کیچ احمد بال باؤنڈری روک لی مگر کیچ ڈراپ ہو گیا یار یہ کیچ آ جاتا تھا تھوڑا سا ایکسٹرا آرڈینری کیچ تھا اگر یہ کیچ آ جاتا تو میچ بن سکتا تھا یہاں پہ اور لاسٹ بال ہے اوور کا یہ والا بال لازمی ڈاٹ کرانا پڑے گا کم آن احمد اچھا بال سامنے کا بال تھا ہارون ہے سامنے تو ایزیلی ایک ہی رن ملے گا فرسٹ اوور 15 رن آئے تھے اس اوور میں 16 رن پہ احمد ملک نے اینڈ کرا اگین تھرڈ اوور کروانے ہارون آیا فرسٹ اوور میں 15 رن دیے تھے اس اوور میں لیٹس سی کتنا اوور دیتے ہیں میچ اوور ہونے والا ہے یہ والا لیٹس گو احمد
वो अरुण वो पहली बॉल पे छक्का सीधे बल्ले के साथ, अरुण की यॉर्कर लेंथ की बॉल को टारगेट किया हमदा ने और काफी अच्छा शॉट मारा यार। जी जी गुड शॉट। 17 बोले लास्ट बाकी रह गई हैं और क्यूमुलेटिव स्कोर रह गया है 45 रन और लेट्स सी ये बच्चे का डिफेंड होगा नहीं होगा। और अच्छा बॉल अब की बार, बहुत प्यारा बॉल करा है, बहुत प्यारा लेंथ पे बॉल करा है, लेंथ बहुत अच्छी पकड़ी है अब की बार। और का तीसरा बॉल अरुण दो बोले तो काफी सही होगा ये। और टॉप एज यार, और हारून 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 और कैच पकड़ लिया यार हारून ने यार, मैच का कैच हो गया है लड़के यार, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। आप ही सेलिब्रेट कर रहे हैं बॉयज यार, ये वाला कैच जो पकड़ा है ना लिटरली यहाँ पर गूज बम्स आए ये वाले कैच के बाद, क्योंकि यार हमें ये कैच लास्ट भी चाहिए था क्योंकि एक ब्रेक थ्रू तो मिलना था यार भाई, 3 ओवर गुजरने वाले और एक विकेट भी नहीं गिरी है। हारून ने बहुत अच्छा कमबैक कर लिया, 14 बॉल है ओवर का और 6 रन आए अभी तक और एक विकेट भी आ गई है हारून के हिस्से के अंदर। और अच्छा बॉल और ग्राउंड शॉट ही मिलेगा, 1 रन हमारे लिए कोई इतना ज्यादा बर्डन वाला नहीं होगा एज कम्पेयर टू बाउंड्रीज जो छक्के और चौके पे मिलेंगे। लास्ट 2 बॉले बाकी रह गई हैं और अभी तक सिर्फ 7 ही रन है, बहुत अच्छी ही बॉल कर रहा है हारून। और अच्छा बॉल मगर शॉट बचने बचाने के अंदर छक्का चला गया है नाज़रीन और हज़रात, सिर्फ बच रहे थे और बचने बचाने के चक्कर के अंदर सिर्फ छक्का चला गया क्योंकि लेग की बाउंड्री इतनी बड़ी नहीं है और यहाँ पर आराम से छक्के जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। और इंटेंस सिचुएशन में आ गया है मैच नाज़रीन और हज़रात, लास्ट बॉल बाकी रह गया, लेट्स सी लास्ट बॉल हारून का। अच्छा बॉल और शॉट काफी अच्छा था, 6 रन आ गए है यार, 19 रन पे ओवर कर आ गया हारून, जहाँ 7 रन पे ओवर कर रहा था वहाँ लास्ट 2 छक्के खा के 19 रन पे ओवर हो गया। अहमद का पहला लीगल बॉल, कैच कैच, बहुत आला कैच, यस कम ऑन लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। 11 बोले 33 रन बाकी रह गए। ओवर का दूसरा बॉल, लेट्स गो अहमद, और अच्छा बॉल ग्राउंड शॉट पे 1 ही रन मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 1 रन क्योंकि फर्रुख भाई स्ट्राइक लेंगे और किसी पे भी रिक्स नहीं लेंगे। लास्ट 5% चार्जिंग देगा ये और कोई भी बॉल में मिस भी नहीं करा सकता, तो जितना मैच चल रहा है उतना चलेगा, बाकी आपको टेक्स्ट पे दिखा देंगे कि क्या रिजल्ट बना। अच्छा बॉल मगर गैप में शॉट गया 4 रन के लिए यार, अहमद को काफी अच्छा शॉट मारा और गैप फाइंड करके 4 रन ले लिया। भाई साहब क्या स्टोरेज मिल हो गई यहाँ पे, गेम का रुख ही बदल दिया अहमद ने भाई यार, फर्रुख भाई को आउट कर दिया और कैच पकड़ा, कोई सूर्य कुमार यादव वाला कैच पकड़ा है ये, इस जगह पे कैच पकड़ा है यार, लिटरली मेरी स्टोरेज फुल होगा यार, लिटरली क्या कैच पकड़ा है यार उसने, उसको सेमीफाइनल में क्रिटिसाइज कर रहे थे कि उसने कैच छोड़ा था, इस मैच में उसने कैच पकड़ा यार लिटरली। साकिब गोली यार लिटरली भाई, उसने कैच पकड़ा है, मेरा दिमाग घूम गया, मैं स्टोरी जी क्लियर करते रह गया, उसने कैच पकड़ लिया यार, लेट गो भाई लेट गो, इतनी मेहनत का अंजाम इंशाल्लाह अच्छा ही मिलेगा इंशाल्लाह। मोस्ट प्रोबेबली लास्ट बॉल बाकी रहेगा ये अहमद की, लेट्स गो अहमद, अंपायर को क्रॉस किया और लेग स्टंप से वाइड बॉल, फजूल वाइड बॉल आया है, लेट्स गो अहमद शाबाश। ओवर का लास्ट बॉल और सामने का शॉट और 6 रन पर यार अहमद को छक्का लग गया है, 27 रन रह गए थे और यहाँ पर 21 रन छोड़ के जा रहा है अहमद, लास्ट ओवर बाकी रह गया है, ये बड़ी जिम्मेदारी है, कौन देखता है कौन निभाएगा ये जिम्मेदारी। अहमद का मोबाइल ले लिया यार, लेट्स गो इफाम आया, 21 रन लास्ट ओवर और पहली बॉल पे छक्का है इफाम को, लास्ट ओवर 21 रन बाकी रह गए और लास्ट पहली ही बॉल पे छक्का खा लिया है इफाम ने, मेरा मोबाइल बिल्कुल ही डेड हो गया, बिल्कुल ही चार्जिंग एंड हो गई उसके अंदर। अब इसका अहमद का मोबाइल लिया, अहमद के मोबाइल से वीडियो बना रहा है, दूसरा बॉल ओवर का और दूसरी बॉल में भी छक्का यार, पूरा मैच बना के दे दिया अहमद ने लास्ट मोमेंट पे, इफाम 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 2 बॉलों पे 2 लगातार छक्के लग गए हैं इफाम को, तीसरा बॉल और इस बार थोड़ा सा आउटसाइड एज हुआ,
डबल की कॉल है, डबल 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 बन गया। तीन बोले सात रन रहेगा इमाम के पास चांस है सुपर स्टार बनने का। शॉट छह रन यार, मैच एंड हो चुका है नाज़रीन और हज़रात। एक रन चाहिए, दो बोलो भाई एक रन चाहिए, दो बोलो में एक रन चाहिए। अहमद पूरा मैच बना गया था यार, लिटरली यार 21 रन चाहिए थे लास्ट ओवर के अंदर, वो 21 रन काफी ज्यादा रन होते हैं यार। तो मगर इफाम का आज बैड लक चल रहा है, जैसे पहले मैच सेमीफाइनल के अंदर भी थोड़ी खराब बॉलिंग हुई, इस मैच के अंदर भी थोड़े से कमी पेशी आ गई उसकी बॉलिंग में। एक रन और यहाँ पर जीत चुकी है आज स्ट्राइकर की टीम, फाइनल में आके हम लोगों से। भाई साहब भाई साहब भाई साहब, बहुत फ्रस्ट्रेटेड फाइनल गुजरा कसम से। चल भाई इसी के साथ मैच हार गए, फाइट हुई बहुत अच्छी हुई, हमने स्कोर बहुत कम बनाया था, बैट लग हुआ हमने बुरा खेला, हम हार गए। उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग करी यार, उन्होंने उन लोगों ने बॉलिंग भी बहुत अच्छी करी नो डाउट, इसकी वजह से भाई वो लोग टूर्नामेंट विन कर गए। भाई फाइनल में बैट लग हो गया, फाइनल हार गए, 21 रन रह गए थे, फार्म ने खा लिए बनवा दिए, तो कोई बात नहीं भाई, उम्मीद करते हैं दूसरी बार अगर जब भी होगा तो अपने 100% दें। तो इसी के साथ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।